वेलकम फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है या ब्लेंडेड मोड पे होने वाला है। आपने देखे होंगे एक से दो दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें पहले कहा गया था कि जो लास्ट ईयर है और लास्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो ऑफलाइन होंगे, बाकी जो सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम रहेंगे वो ऑनलाइन होंगे। और उसके बाद दूसरा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि जितने सारे जो एग्ज़ाम है चाहे लास्ट सेमेस्टर के हो लास्ट ईयर के हो उसमें कहा गया कि सारे जो एग्ज़ाम हैं वो ऑनलाइन मोड से होंगे। तो उसी के संदर्भ में मैं बात करने वाला हूं कि जो दुर्ग यूनिवर्सिटी जो है इस पर बहुत जल्दी अमल किया है और जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो 5 मई से संभावित माना जा रहा है। जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर कटिंग पे आप देख सकते हैं कि हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की समस्त कक्षाओं की सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन पद्धति से 5 मई से आयोजित होना प्रस्तावित है। यह जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर सीएल देवांगन तथा उप कुल सचिव परीक्षा डॉक्टर राजमणि पटेल ने संयुक्त रूप से बताया कि पिछले वर्ष की तरह ही यह सेमेस्टर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होगी। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित होगी। संबंध में दुर्ग विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा ने आज विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों की ऑनलाइन बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर देवांगन ने अभी बताया कि सेमेस्टर परीक्षाओं में एमए, एमकॉम, एमएससी, बीबीए, एलएलबी, बीपीएड, एमपीएड, बीएड तथा अन्य सभी सेमेस्टर कक्षाओं की परीक्षाएं 5 से 15 मई के बीच ये संभावित माना जा रहा है ऐसा। और आज जैसा कि कुलपति महोदय है उन सबका आज एक ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग हुआ जिसके माध्यम से और कुछ जानकारियां दिए गए जो आपके साथ मैं साझा करना चाह रहा हूँ। ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब करना बनता ही है, लाइक शेयर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज जो कुलपति महोदय की जो सेमेस्टर परीक्षाओं के संदर्भ में जो ऑनलाइन मीटिंग हुआ उसके कुछ निम्न बिंदु है जो नीचे बताया जा रहा है आपको कि 5 मई से सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रारंभ होने की संभावना है और एक दो दिनों में जो टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा ऐसा कहा गया है। जिस प्रकार से पिछले सेमेस्टर की परीक्षाएं हुई थी उसी पैटर्न में परीक्षाएं होगी। जैसा कि आपने A4 साइज का जो पेपर है उस पर आंसर लिखे होंगे, एक फ्रंट पेज जो आपको प्रिंट कराकर फ्रंट पे लगाना था वो सेम एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बच्चे जो है अपने घर पर ही बैठकर कॉपी लिखेंगे। फर्स्ट एवं थर्ड सेमेस्टर के प्रश्न पत्र आपको बताना चाहूँगा कि जो दुर्ग यूनिवर्सिटी है वो इवन ऑड सिस्टम चलाते हैं सेमेस्टर के लिए। जैसा कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर के मुख्य परीक्षा ATKT और जो एक्स के जो स्टूडेंट रहेंगे वो देंगे, उसके बाद जो थर्ड सेमेस्टर के रहेंगे तो थर्ड सेमेस्टर के मुख्य परीक्षा ATKT और जो एक्स स्टूडेंट रहेंगे वो थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं देंगे। आगे हम बात कर लें, यहाँ पे बताया गया कि फर्स्ट एवं थर्ड सेमेस्टर के प्रश्न पत्र एक साथ विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड किए जाएंगे, जैसा कि पहले भी वेबसाइट में अपलोड किया जाता था। जिस दिन से परीक्षा शुरू होगी उसके 10वें दिन तक महाविद्यालय में स्टूडेंट अपनी कॉपी बाय हैंड या बाय पोस्ट जमा करेंगे। 10वें दिन के अंदर महाविद्यालय से सारी कॉपी विश्वविद्यालय में जमा कर दी जाएगी। कॉपी वैल्यूएशन का कार्य विश्वविद्यालय अपने स्तर पर कराएगा। तो ये सारी जानकारी जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहिए। ये डेट जो है अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। टाइम टेबल इसके लिए दुर्ग यूनिवर्सिटी के साइट पे ऑफिशियल जारी किया जाएगा, ये संभावित डेट बताया गया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।